हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल विद श्वेता। आज मैं एक कविता फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के साथ साझा करने। ये कविता जावेद अख्तर साहब जी की है। मुझे काफ़ी इस कविता ने छुआ है, मेरे दिल को छुआ है, और मुझे ये काफ़ी मेरे हृदय के करीब है ये कविता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा किया जाए। ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पे ये कविता है, और जो हम घबराते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, तो उसी पे ये कविता है कि ये चीज़ नॉर्मल है होना, और ये सबके लिए कॉमन है। ये सिर्फ हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर दुख है, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी न किसी प्रॉब्लम में है, कुछ ना कुछ सब सब कोई जूझ रहा है, सब कोई अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ झेल रहा है, जूझ रहा है, और हम सोचते हैं कि हमारा ही गम सबसे ज़्यादा है। तो आइए ये कविता मैं आपको सुनाती हूँ जो मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप धूप है सबका हिस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। हम जब दुख में होते हैं या हमें जब प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं हमारे साथ ही क्यों, लेकिन अगर हम देखें अपने अगल बगल थोड़ा सा तो हमसे भी कई लोग ज़्यादा दुखी हैं। बहुत अगर आप देखिएगा तो बहुत लोग दुखी हैं। छोटा सा एग्ज़ाम्पल कहेंगे, आप अगर हॉस्पिटल में चले जाइए, अगर आप दिखाने जाते हैं या भगवान ना करे किसी को ज़रूरत हो, लेकिन इन केस अगर आप हॉस्पिटल में ही चले जाइए तो आप ये देखिएगा कि आपको जो है उससे ज़्यादा भी ज़्यादा कोई बीमार है उस, और उनका इलाज हो रहा है वहाँ पे। तो वहीं से पता चलता है कि हम अपने लिए ही रोते हैं, लेकिन यहाँ तो सब एक ही नाव पे सवार हैं, हम लोग सब एक ही नाव पे सवार हैं। भले कहने के लिए, दूर से देखने के लिए नहीं बोलते हैं, दूर का ढोल सुहावन लागे। तो वही हाल है, क्योंकि हमें दूर से सब कुछ दिखता है कि हाँ सब अच्छा है, खुश है, ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब सबके जीवन में कुछ ना कुछ लगा रहता है सबके जीवन में, तो हमें खुश रहना चाहिए। ये कविता यही बताता है कि हम रो के क्या, ऐसा नहीं है कि रोए नहीं या दुख नहीं हो, लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए। कुछ भी हो जीवन में हिम्मत रखिए, क्योंकि डर हमेशा रहता है। डर लगता है जब आप किसी मुसीबत में हैं, कोई अपना आपसे दूर हो गया है या कुछ भी, तो डर तो लगता है, लेकिन अगर आप डर के आगे थोड़ा सोचिएगा तो उससे भी बड़ी चीज़ है आपके जीवन में, वो है उम्मीद। तो अगर उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कहा जाता है, और ये सत्य है। अगर उम्मीद है तो डर आपको कहीं कुछ नहीं कर सकता। तो उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, और डर ज़रूर डरिए, लेकिन उसका सामना कीजिए। जीवन इसी का नाम है। ये एक छोटा सा वीडियो था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये कविता मुझे बहुत पसंद है और इसलिए मैंने शेयर किया। होप आपको ये अच्छा लगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। शुभ रात्रि।